महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 25 में स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत अभियान के तहत प्लॉगिंग दौड़ का आयोजन किया गया। हम आपको बता दें कि करीब 450 छात्रों सहित लगभग 400 अभिभावकों ने इस कैंपेनिंग में हिस्सा लिया। केंद्रीय विद्यालय की प्रधानाचार्य रमा वर्मा ने इस मौके पर स्वच्छ अभियान को लेकर छात्रों से बात की। सवाल नहीं है, ये हम सब के बीच में एक भावना जागृत हो, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ये मुहिम छेड़ा है। और अपना स्वास्थ्य अच्छा रखें, स्वास्थ्य को अच्छा रखने की एक भावना, ये नहीं कि एक दिन अगर हम दौड़े या वाइल रनिंग द डस्ट और एनी गार्बेज इज पिकिंग अप बाय अस, इट डजंट मींस वी हैव टू कीप आवर सराउंडिंग वेरी क्लीन। आपका घर हो, आपका संस्था हो, किसी भी तरह की, चाहे सरकारी या गैर सरकारी, आप उस संस्था को साफ सुथरा रखें। आप अपने शरीर को, और आपका शरीर जब साफ रहेगा, फिट रहेगा, तो आपका मस्तिष्क भी फिट। जीटी आर्ट एजुकेशन, मैं यहाँ पे आर्ट टीचर हूँ, केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 25 रोहिणी। आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं प्लगिंग दौड़ के लिए, और हमने सभी बच्चों और पेरेंट्स को बुलाया है आज। और हमारा अभियान यही था कि बच्चे आज यहाँ पे रैली करें 5 किलोमीटर की, और क्लीन करते जाएं इस जगह को। अपने साथ बच्चे ग्लव्स और कैप और डस्टबिन से रिगार्डिंग जो भी हमारा क्लीननेस रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं, मटेरियल, वो सब लेकर आए थे। और हमने स्कूल के अंदर भी किया, बाहर भी किया। जो अंदर का एरिया था वो प्राइमरी क्लासेस से करवाया, 1st to 5th क्लासेस, 6th to 12th क्लासेस। हम लोग और टीचर्स, प्रिंसिपल मैम, सभी लोग बाहर गए थे, तो काफ़ी अच्छा रहा आज का दिन 2 अक्टूबर। जहां एक ओर छात्रों ने इस मुहिम में अपना वर्चस्व दिखाया, वहीं कई किलोमीटर तक चली इस प्लॉगिंग दौड़ में पेरेंट्स भी काफी उत्साहित नजर आए। और मेरे को यहां पे आके बहुत अच्छा लगा, मेरे दोनों बच्चे यहीं पर पढ़ते हैं, 6th स्टैंडर्ड में, एक 7th स्टैंडर्ड में। और जैसे ये चलाया सफाई अभियान, और मैं चाहती हूँ ये इवेंट स्कूल में बार बार हो, ताकि हम भी इसमें पार्टिसिपेट करें। हमें यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा। वेरी गुड मॉर्निंग, मैं स्कूल की एक स्टूडेंट 2018-19 बैच की हूँ। राइट नाउ आई एम इन DU, एंड आई एम रियलाइजिंग दिस थिंग दैट स्कूल से मिली हुई छोटी छोटी एजुकेशन कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। आज ये कैंपेन हमारे स्कूल के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि आगे जाने के बाद यही सारी चीज़ें करनी होती है, एंड हमें बहुत अशेम फील होता है कि इसको ये चीज़ नहीं पता। सो, इसलिए मुझे लगता है ये कैंपेन बहुत अच्छा है, एंड मेरी क्लास के और भी बहुत से स्टूडेंट आए हैं यहाँ पे जो इसको पूरा सपोर्ट करते हैं। सो दैट्स इट। आज का मिशन बहुत अच्छा रहा, ख़ासतौर पे ये और भी खुशी की बात रही कि बच्चों के साथ साथ अभिभावक भी हमारे साथ बहुत ही सक्रिय भाव से शामिल रहे। जैसा कि आप सभी को पता है, श्री नरेंद्र मोदी जी का ये सपना था कि स्वच्छ भारत हो, जिससे कि सभी लोग फिट रहें। तो फिट इंडिया, क्लीन इंडिया के तहत ये आज का प्रोग्राम किया गया, जिसमें हमारे माननीय रमा वर्मा मैडम, यहाँ के प्रधानाचार्य, जिनके नेतृत्व में ये आज हमने अपना कार्यक्रम किया। और मुझे काफ़ी साल हो गए केंद्रीय विद्यालय में, और इस तरह का मूवमेंट इस बार पहली बार हमने देखा है, एंड मैं इतनी खुश हूँ इस मूवमेंट के तहत कि जब भी गंदगी हमारे को बाहर दिखती थी तो लगता था कि उतर के इस गंदगी को साफ़ कर दें, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था। तो मोदी जी के गाइडेंस के अंडर ये जो मुहिम चलाया गया है, क्लीन इंडिया एंड फिट इंडिया, तो आई एम वेरी हैप्पी कि लोग जागरूक हो रहे हैं, बच्चे भी जागरूक हो रहे हैं, और साथ के साथ उनके पेरेंट्स भी जागरूक हो रहे हैं, तो इस बात का मुझे बहुत खुशी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वच्छ